coming from second year class, आज मैं आप लोगों को जो है वो तारा पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 11 बताऊंगी, जिसमें हम लोग जो है वो बाप 2 पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ रहे हैं इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान का क्याम। इसमें अनवान हमारा जो है ना आज इंतहबात 1945-46। इसमें हम लोग जो है वो आज देखेंगे इंतहबात 1945-46 कैसे हुए, उनके जो है वो उसमें कांग्रेस का मंशूर क्या था, मुस्लिम लीग का मंशूर क्या था, इंतहाबी मुहिम कैसे हुई थी, इंतहबात के नतज कैसे निकले थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंतहबात 1945-46 में आम इंतहबात नकद करवाना ज़रूरी था। जंग अज़ीम दोम के हाथ में और शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद ये अंदाज़ा लगाना लाजम हो गया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की अवाम में क्या हैसियत है और वो बरसगीर के मुस्तकबिल के बारे में किस जमात के मौक़िफ़ से हम आहंगी जो है वो रखते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी की सारी जिम्मेदारी हिंदू प्रेस ने जो है कायदे आज़म पर डाल दी थी, ये जानने के लिए कि कायदे आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त था या गलत, वाहिद तरीका था कि अवाम से रजू करके उनकी राय मालूम की जाती। हुकूमत बरतानिया पर अमेरिका का जो है वो दबाव भी था और बरसगीर के सियासी मसाइल का जो है हल ढूंढा जाए। इस सूरतहाल में जो है बरतानवी हुकूमत ने अवामी रुझानात का पता चलाने की खातर आम इंतबात के इनेकाद का जो है वो ऐलान किया। दिसंबर 1945 में मरकजी असम्बली और जनवरी 1946 में सूबाई असम्बली के इंतबात करवाने का फैसला हुआ। तमाम जमातों ने इंतबात में जो है वो हिस्सा लेने का ऐलान किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो है पहला पॉइंट है कांग्रेस का मंशूर, यानी कि इसमें क्या कांग्रेस का मंशूर था। कांग्रेस का मंशूर था कि जनूबी एशिया को एक वाहदत की सूरत में आज़ाद करवाया जाए, तकसीम की कोई जो है स्कीम काबिल कबूल ना हो, अखंड भारत कायम रहेगा। कांग्रेस का दावा था कि वो बरसगीर में रहने वाले तमाम ग्रोहों और फिरकों की नुमाइंदा जमात है और मुसलमान भी कांग्रेस के नुक्ता नज़र से हम आहंग थे। मुस्लिम लीग का अभी हम लोग चैनल में इसका मंशूर देखेंगे, यानी कि इसमें मुस्लिम लीग का मंशूर क्या था 1945-46 के इंतबात में। मुस्लिम लीग ने इंतहाबी अखाड़े में जो है कदम इस दावे के साथ रखा कि वो बरसगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, मुसलमान मुस्लिम लीग के अलावा किसी और जमात से वाबस्तगी नहीं रखते। मुस्लिम लीग चाहती है कि करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक जनूबी एशिया को जो है तकसीम कर दिया जाए और मुस्लिम अक्सरीती इलाकों में मुसलमानों को मुकम्मल इख्तदार आला हासिल हो जाए। कायदे आज़म का दावा था कि आम इंतहबात पाकिस्तान के बारे में जो है सवाब राय होंगे और अगर मुसलमान मुस्लिम लीग का जो है साथ दें तो पाकिस्तान बनने दिया जाए, वरना इस मुतालबे को आज वो जो है मुस्तरद समझा जाएगा। उसके बाद उनकी जो है वो दोनों का मंशूर होने के बाद इंतहबात जो है इंतहाबी मुहिम हुई 1945-46 के इंतहबात की। तमाम जमातों ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई। कांग्रेस हर सूरत मुस्लिम लीग के जो है नज़ाइम को नाकाम बनाना चाहती थी। इसके जो है वो कायदीन ने पूरे मुल्क में शुमार से जनूब और मशरक से मगरब तक जो है वो दौरे किए। कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी जिसने एहरार और जमीयतुल उलमाए हिंद और दीगर मुस्लिम जमातों से जो है इंतहाबी इतिहाद किए और मुस्लिम लीग का रास्ता रोकने का मुहर मुमकिन जो है उन्होंने कदम उठाए थे। दूसरी जो है ना इंतहाबात जो कि मुसलमानों के लिए मौत और हयात का मामला था, इसलिए मुस्लिम लीग के लीडर ने मुल्क की जो है दौरे किए। कायदे आज़म ने अपनी खराबी सेहत के बावजूद तूफानी दौरे करके मुसलमानों को वक्त की ज़रूरत से आगाह किया। मुस्लिम लीग तेजी से मकबूलियत जो है हासिल करने लगी। बहुत से मुसलमान रहनुमा अपनी जो है वो जमातों से कतार ताल्लुक करके मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कायदे आज़म ने अपने जलसों में जो है खुलम खुला कांग्रेस को जो है चैलेंज किया कि इंतहाबात में जो है मुस्लिम लीग पाकिस्तान के बारे में अपने मुतालबे को जो है सच्चा साबित करेगी और मुसलमान आन बरसगीर मुसलमान पाकिस्तान तहरीक करके ही दम लेंगे। मुस्लिम आवाम ने शायद ज़बरदस्त इस बात का इजहार किया। मुस्लिम तलबा तलबार मैदान में निकल आए, शहर शहर करिया करिया लिंगी कारकुनों की टोपियाँ पहने टोलियाँ जो है वो पहुँचने लगी थी। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंजने लगी, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा के नारे जो है जुबान ज्यादा आम थे। हर आने वाले दिन मुस्लिम लीग के मौकफ को जो है मजबूत से मजबूत बनाता गया। इस तरह आप लोग देखेंगे कि इंतहबात के नतज क्या निकले थे, यानी कि 1945-46 के इंतहबात मंशूर के बाद इंतहाबी मुहिम, उसके बाद हम लोगों ने देखना कि इंतहबात के क्या नतज थे। मरकजी कानून साज असम्बली के इंतहबात दिसंबर 1945 में करवाए गए। ये जुदागाना तरीका इंतहबात इंतहाब की बुनियाद पर जो है मुनक़द हुए। पूरे बरसगीर में मुसलमानों के लिए 30 नशस्तें महसूस थीं। मुस्लिम लीग ने हर नशस्त पर अपने नुमाइंदे खड़े किए, किसी सियासी जमात से इंतहाबी इतिहाद ना किया और अकेले कई जमातों का मुकाबला किया। इंतहाज मंजर आम पर आए तो मुस्लिम लीग फातह निकली। तमाम 30 महसूस नशस्तें जो है वो मुस्लिम लीग के जो है वो टिकट पर खड़े होने वाले मेदान कामयाब हुए। यूस ऑफिसर कामयाबी मुस्लिम लीग को मिली, ये शानदार मिसाली फतह थी। ये वो जादू था जो सर चढ़ कर बोला
मुस्लिम लीग ने सूबाई सतह पर जो है वो भी शानदार फतह हासिल की। कई सियासी जमातों ने कांग्रेस की हिमायत की, लेकिन मुस्लिम लीग ने इन सब को शिकस्त दी। अब पाकिस्तान को बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। इंतहा इंतहा ने पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत कर दी थी। ये हमारा जो है वो आज का था टॉपिक इंतहा 1945-46, जिसमें हम लोगों ने जो है वो कांग्रेस का मंशूर, मुस्लिम लीग का मंशूर, इंतहाबी मुहिम, इंतहाबी नताइज, इसके बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो लेक्चर यहीं पे इख्तिताम होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।